नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। ज़्यादा लंबी बात करते हुए नहीं, पॉइंट की बात करते हैं। वशीकरण के यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे तो एक नहीं हजारों मिल जाएंगे, और सब बड़ा से बड़ा दावा करते हैं कि लगाते वशीकरण, छुआते वशीकरण, जाते वशीकरण, आते वशीकरण, खिलाते वशीकरण, 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 वशीकरण। आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, क्या इतना आसान होता है किसी की मानसिकता पलट देना? नहीं। लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जहां आज भी उनके लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम। वो चंद पैसे लेकर गलत भी काम कर देते हैं, उस विद्या को बोलते हैं काली विद्या, यानी घटोर विद्या। दूसरे अर्थ में कहें, ये साउथ अफ्रीका के आदिवासी लोग वुडो तंत्र, जो पुतले द्वारा और कोई भी नहीं, वो चाहे अंग भंग करना हो, मारना हो, वशीकरण करना हो, उच्चाटन करना हो, रोग ठीक करना हो, सिर्फ और सिर्फ पुतले के ऊपर होता है। तो ये विद्या अगर आपको सीखनी है तो हमारे यहां आना होगा। अगर आपको ये किसी के ऊपर करवाना है तो ध्यान रखिए, आप इस विद्या का गलत प्रयोग नहीं करना है। किसी की मानसिक स्थितियों को अपनों में काबू कर लेना एक प्रकार मारण, जिस प्रकार मारण का दोष लगता है उसी प्रकार लगता है। तो आपके कोई रिलेशन में हो जो बिगड़ गया हो, रिश्ता टूट गया हो, रिश्ता उसको सुधारने के लिए, जीवन भर साथ चलने के लिए, अनैतिक संबंध के लिए इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो चलिए बताते हैं ये कैसे, कब और कहां और क्यों होता है। सबसे पहले जिसका ये करना होता है, जिस जातक का, जैसे हमको ए का वशीकरण करना है तो ए का नाम, उसकी माँ का नाम, उसका एड्रेस ये मालूम होना चाहिए, और जिसके लिए बी के लिए करना तो बी का नाम, बी के माता पिता का नाम और पता चाहिए। पुतले वशीकरण की विशेषता होती है कि जिसके लिए किया जा रहा है उसका कोई यूज किया हुआ सामान हो तो अति उत्तम है, लेकिन दुर्लभ होता है। आज की डेट में अगर नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए, ए के लिए जिसका पुतला बन रहा है, उसके लिए उसका नाम, माता का नाम और गोत्र, गोत्र नहीं मालूम तो जाति, ये प्राप्त हो जाए। अब ये क्या, कैसे, कब होती, ये सिर्फ कृष्ण पक्ष में होता है, यानी अंधेरी रातों में। अंधेरी रात में परवा, पंचमी, अष्टमी, द्विस, चौदस, अमावस्या को नहीं। इसके दिन तांत्रिक लोग वशीकरण के लिए शनिवार को मरे हुए व्यक्ति का जो शमशान में कपड़ा फेंका जाता है उसके कपड़े पुतला बनाते हैं। अन्य कार्य के लिए अलग अलग, लेकिन मैं वशीकरण की बात कर रहा हूं तो आज इसी पे बताऊंगा कि शनिवार को जो व्यक्ति मरा हो उसका परिजन लोग कपड़ा ले जाते हैं, शमशान में भी डाल देते हैं, तो उसके कपड़े लेते हैं, उसका पुतला बनता है। ध्यान रखिए, ये वशीकरण जिसके लिए किया जाता है किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। वशीकरण करने के बाद ये शक्तियां पुनः अपने शमशान में चली जाती है। जातक को पूरी उम्र किसी प्रकार की शमशानिक मसानिक क्रिया का दिक्कत नहीं होता है। तो इस कपड़े का पुतला बनाया जाता है। पुतला बनाने के बाद, ध्यान रखिए, पुतला बनाने के बाद उसी शमशान में जो शमशान का जला हुआ कोयला राख रहती है, उसको जो बकरा होता है, काले बकरे की चर्बी में घोला जाता है, जिसे घी जैसा, वो काला काला पेंट जैसा होता है, इस पुतले के ऊपर पूरा लगाया जाता है। लगाने के बाद इसमें वशीकरण के लिए सेमर, एक फूल होता है सेमल का, उसके कांटे लिए जाते हैं। उस नाम, जिस जो आपने ए का नाम दिया था, ए का नाम, माता पिता का नाम, उसके नाम से उसको प्राण डाला जाता है, यानी प्रतिष्ठा किया, तंत्रोक्त प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है एक एक कांटा चुभोकर। उसके बाद जागृत मंत्र पढ़ा जाता है, जागृत बाद वो एक्टिव किया जाता है, एक्टिव हो गई। अब होता है वशीकरण का असली खेल। रात के घनघोर वीरान एकांत में इस पुतले को केले के पत्ते के ऊपर बैठाया जाता है, लिटाया जाता है। उसके पास शमशान से ही लाई हुई बांस, जिसपे लाश लाद के ले जाते हैं, उस लकड़ियों का बनाया हुआ इतना सा बड़ा आसन, उस पर साधक बैठता है। पांच दीपक अगल बगल जलाता है, पांच तरीके के जो दीपक रहते हैं, तिल का तेल और सरसों का तेल, आपका ये चमेली का तेल, घी और सोया का तेल, ये पांच तेल का जलाया जाता है। जलाने के बाद इस पे मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र वशीकरण का अघोरी रूपी मंत्र है,
वो मंत्र पढ़ा जाता है तो पुतला जो होता है वो जैसे मुंह के बल लेटा तुरंत पीठ के बल लेट जाता, अपने आप पलट जाएगा ऐसे खतरनाक। और जब पलटेगा तो उसके अंदर से हल्के से जैसे रोने की आवाज आएगी, और जब जैसे रोने की आवाज आए उसी समय उस पुतले के ऊपर शराब दे देना है, दारू, ठीक है, दारू के बाद उस पर थोड़ा सा बेसन की रोटी, चटनी और नॉन वेज, थोड़ा सा जो मुर्गा होता है उसका थोड़ा सा नॉन वेज दे देना है। वहीं पर मंत्र को बजा पढ़ के 3 बार ताली मार देना है, वो पुतला वहां से उड़ जाएगा। उड़ने के साथ जिसके लिए किया गया है वहीं पर जाकर उसको घात करेगा, घात करने के पश्चात वो लौट आएगा। आप देखेंगे एक रात में उसका वशीकरण हो जाएगा, अगले दिन दोपहर तक वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। अगर नज़दीक है, दूर है तो 2-4 दिन के अंदर, घर में है तो वो तुरंत ही आपसे रो रो कर एकदम भावुक होकर आपसे लिपट कर रोएगा और अपनी गलतियों का एहसास मानेगा। यह है खतरनाक विद्या। मैं स्पष्टवादी हूँ, आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानी या मोटिवेट करके, कोई ये नहीं कि आप मुझे कॉल करें और मैं कहूँ हाँ बेटा तुम्हारा वशीकरण हो जाएगा, मुझे इतने रुपए दो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल कॉल मत करना। मैं ईश्वर नहीं हूँ, ना मैं किसी को झूठा आश्वासन देता हूँ। हाँ, जायज़ काम के लिए करोगे तो ये काम हो जाएगा, करवाओगे तो हो जाएगा, गलत काम के लिए नहीं। इस कार्य के लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ, कोई भी पैसा जो आज की वीडियो पड़ रही है, मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। अगर आपका जायज़ काम है तो मैं 2 महीने के लिए आपके लिए समर्पित हूँ, निःशुल्क। हाँ, यहाँ इसके लिए आना होगा, आके जो सामग्री लगे वो बाहर से ला के दे देना होगा, और जो इसके लिए मतलब जो शमशान का साधक जाएगा उसकी आपको जो दक्षिणा होगी देना होगा, देगा। इसमें मैं मदद करा दूंगा, मैं किसी प्रकार का 1 रुपये नहीं लूंगा, आपकी मदद करा दूंगा। तो जिसे जरूरत हो संपर्क कर लेगा, अपने सोच समझ कर, इच्छा से, दिमाग लगाकर, जल्दीबाजी नहीं करके। जय श्री राम, हर हर महादेव। कॉल नंबर नीचे दिया गया है।